एक्चुअली मैं मॉडलिंग, मेरे मॉडलिंग करियर बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड थी, बाय चांस थी. मैं एक्चुअली एक्ट्रेस हूँ, अभिनेता हूँ, मैं थिएटर की एक्ट्रेस हूँ, मैंने कुछ फिल्में भी की हैं. मॉडलिंग बाय द वे हो गया मेरे लिए, क्योंकि मुझे एक्चुअली क्लोथ्स और फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत पसंद करती हूँ, मुझे मज़ा आता है. सो मॉडलिंग जस्ट हैपन अलॉन्ग द वे. तो मैंने एक्चुअली काफ़ी हटके पिक्चरें किए हैं, नॉन कमर्शियल पिक्चरें किए हैं. कुछ थी ऐसे, आयशा थी एक सोनू कपूर जानवीज कज़न के साथ, फिर डियर जिंदगी थी आर्या और शाहरुख के साथ. एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडिपेंडेंट फिल्म थी विच इज़ सेकंड कश्मीर, विच इज़ फेस्टिवल्स में जा रहे हैं अभी इंटरनेशनली, इटली में अभी नेक्स्ट मंथ, कॉल शहजर विच आई प्ले द लीड इन. देन इज़ अ फिल्म कॉल्ड एम क्रीम विच इज़ ऑन नेटफ्लिक्स. सो अ बंच ऑफ फिल्म्स. बहुत किस्म के, जब से मैं 5 साल की थी जब से तब से मैं स्टेज पे नाच रही हूँ. तो आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिएटर, आई हैव डन अ लॉट ऑफ क्लासिक्स लाइक शेक्सपियर, आई हैव डन अ लॉट ऑफ क्लासिक्स लाइक टेनेसी विलियम्स. हिंदी में मैंने आधे अधूरे किया है, बहुत ही खूबसूरत प्ले है. अभी मैं हेडा गैबलर गिब्सन की एक प्ले है विच इज़ गोइंग टू बी अडैप्टेड इन हिंदी एंड डायरेक्टेड बाय हीरा रूप जी. सो आई एम गोइंग टू बी दैट दिस ईयर. तो एक्चुअली बहुत वैरायटी की चीज़ें की हैं, बट मोर देन एनीथिंग आई थिंक इन द वर्क दैट आई डू मैं स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स में बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, जो इंडिपेंडेंट है, जो उनका दिमाग अपना दिमाग है, जो जो मतलब अपनी सिचुएशंस से विक्ट्री पा सकते हैं, यू कैन ओवरकम दैट सिचुएशन. सो आई फाइंड दैट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जी. आई थिंक बहुत ऐसे लोग हैं लाइफ में जो आपको इंस्पायर करते हैं. आई मीन देयर सो मेनी टैलेंटेड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस बोथ हियर एंड अब्रॉड who I love and admire, but there are people also women, I mean whether it's just women like Audrey Hepburn se leke Grace Kelly se leke Michelle Obama se leke Ellen DeGeneres, Oprah, there's so many people who inspire me from different walks of life. Mother Teresa, of course she sounds cliche, but of course she inspires us, you know. So I think you find inspiration even around you every day. You have to find it every day. You have to find something that inspires you. Nature inspires you a lot. I think, you know, of course my mother, which of course everyone wants to hear that, so I'd say that. she's a firecracker, rock star, my mother. So inspiration, I think, sab jagah se milti hai. Aap kuch padh lo, aap kuch dekh lo, aap kuch sun lo, aap kuch art dekh lo, aap kuch gaana sun lo. Inspiration is all around you. So Tommy Hilfiger, I think, is one of the most iconic classic American brands. If you look at it, you know, you see, actually in fact colors bhi dekhoge to I think black hi yaad aa jati hai. So I think sportswear, comfortwear with an understated luxury to it, which can go from day to night, is what really Tommy Hilfiger is all about. Ki uniqueness yahi hai ki wo jo sporty chic look hai, lekin jo understated jo luxury aur glamour hai, वो दोनों को बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं. अभी इंडिया में उनके 290 प्लस आई थिंक डोर्स हैं. तो दिस इज़ माय सेकंड एसोसिएशन विद टॉमी हिल्फिगर एंड आई एम डिलाइटेड टू बी हियर अगेन विद द टॉमी फैमिली एंड आई थिंक दिस कंटिन्यू दिस ऑन एंड ऑन जी. तो एक्चुअली मैं सब जगह परफॉर्म की हूँ. आई मीन लॉट ऑफ बिग सिटीज, लॉट ऑफ स्मॉल सिटीज इन इंडिया, आई हैव डन माय प्लेस इन. पर यस्टरडे आई वाज थिंकिंग बिफोर आई वाज यू नो अबाउट टू फ्लाई हियर इन द मॉर्निंग that I've never been here. So मैं बहुत खुश हूँ. I hope I come back here with one of my plays to perform for all of you. I think it's wonderful that 3 साल के लिए आप, you know, you're the cleanest city in India. That's amazing. Congratulations. I noticed it. I mean, when I got out of the airport, जब हम drive कर रहे थे, मैंने देखा. The airport road is beautiful. So I'm looking forward to coming back. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.